दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए ऑल हिट एग्जाम चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और लगातार मिलती रहे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों आज का हम लोगों का ये जो वीडियो होगा आपका यूपी टेट 2021 की तैयारी के लिए। दोस्तों यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर वन कक्षा एक से लेकर कक्षा पाँच तक के लिए प्राइमरी स्तर की जो परीक्षा 27 जून 2013 को हुई थी उस पेपर में जो CDP बाल विकास मनोविज्ञान में पूरे 30 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी 30 प्रश्नों को आज हम लोग इस वीडियो में लाइव देखेंगे दोस्तों और लाइव हल करेंगे, उसका पूरा सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम जो कि आपका यूपी टेट 2021 की परीक्षा होगा उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। क्योंकि अगर आप पहली बार यूपी टेट की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूपी टेट में प्रश्न किस प्रकार से पिछली बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस बेहतरीन सेशन को जो कि होगा आपका यूपी टेट 27 जून 2013 प्राथमिक स्तर का पेपर वन में CDP बाल विकास मनोविज्ञान के 30 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। मित्रों भाग एक में आपका बाल विकास व अभिज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं यूपी टेट की परीक्षा में। तो दोस्तों पहला प्रश्न जो आया था वह था कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है। ऑप्शन ए अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। ऑप्शन बी शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। ऑप्शन सी छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। और ऑप्शन डी अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। दोस्तों सभी लोग अपना आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। दोस्तों पहले नंबर के इस बेहतरीन प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अर्थात कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जो उपाय होगा वह यह होगा कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाया जाए ताकि हर एक विद्यार्थी उतनी ही रुचि के साथ उतने ही इंटरेस्ट के साथ उस क्लास में पढ़े जितना कि आप चाहते हैं। तो दोस्तों उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस तरीके से क्लास में पढ़ाएं ताकि हर एक बच्चा आपकी विचारों को आपकी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड हो, रुचि उसका उसमें होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका दूसरा प्रश्न है शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप डैश 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 होते हैं। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तियात्मक। ऑप्शन बी संरक्षित। ऑप्शन सी संज्ञानात्मक। और ऑप्शन डी संवेगात्मक। तो दोस्तों शैशवावस्था में बच्चों के जो क्रियाकलाप होते हैं वह होता है दोस्तों आपका मूल प्रवृत्तियात्मक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्यों होगा दोस्तों समझिएगा, क्योंकि शैशवावस्था में शिशु के अधिकांश व्यवहार का आधार उसकी मूल प्रवृत्तियां ही होती हैं। जैसे मान लीजिए यदि उसको किसी बात पर गुस्सा या क्रोध आ जाता है तो वह उसको वाणी या क्रिया द्वारा व्यक्त करता है दोस्तों। तो यह क्या है, मूल प्रवृत्तियात्मक क्रियाकलाप है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका तीसरा प्रश्न है जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। ऑप्शन ए विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण। बी व्याख्यान विधि द्वारा शिक्षण। ऑप्शन सी
क्रियात्मकता के साथ शिक्षण और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों तीसरे नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उनके शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों मतलब ये समझिएगा कि जिन विद्यालयों में सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, चाहे वो विकलांग हो, अंधा हो, गूंगा हो, लंगड़ा हो, हर विद्यार्थी अगर एक क्लास में पढ़ता है तो उसके यहाँ जो शिक्षक पढ़ाते हैं उस शिक्षक के अंदर ये काबिलियत क्षमता होनी चाहिए कि वह जितनी जिस तरीके से एक सामान्य बालक को पढ़ाता है उसी प्रकार से उस विकलांग या दिव्यांग, उस अंधे या गूंगे बालक को भी पढ़ा पाए, तो ये जानकारी उस शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका चौथा प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। ऑप्शन ए छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, ऑप्शन बी उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, सी उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना और ऑप्शन डी गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का अनुप्रयोग करना। दोस्तों चौथे नंबर के इस प्रश्न में आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं पूछ रहा था, मेरे मित्रों ध्यान दीजिएगा, बात समझिएगा, इसमें यह कह रहा था कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए अर्थात क्लास में विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए आप उनकी अत्यधिक प्रशंसा नहीं करें, क्योंकि आप किसी बालक का बहुत ज़्यादा प्रशंसा करेंगे तब भी वह जो है सीखने के लिए तैयार नहीं होगा। क्यों? जब तक बच्चा आंतरिक रूप से सीखने के लिए अपने मन से अपने आप तैयार नहीं है तब तक आप लाख प्रयास करेंगे वह बच्चा सही तरीके से सीख नहीं पाएगा। तो सीखने के लिए उस बच्चे के अंदर ललक या उत्साह होना चाहिए। ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका पांचवा प्रश्न है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सह संबंध पाया गया है। ऑप्शन ए धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी शून्य और ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों बुद्धि एवं सृजनात्मकता में जो सहसंबंध पाया गया है वह पाया गया है धनात्मक। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बुद्धि और सृजनात्मकता यानी कि अगर आपके पास बुद्धि है आपके पास तो आप सृजन कर सकते हैं, यानी कि आप अगर आपके पास दिमाग है तो आप किसी भी चीज का निर्माण अपने दिमाग से कर सकते हैं। तो इसका जो सहसंबंध है बुद्धि और सृजनात्मकता में वह एक पॉजिटिव का है, एक धनात्मक का है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका छठा प्रश्न है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे डैश 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 डैश। ऑप्शन ए है आपका विद्यार्थी के साथ कड़ाई से पेश आना होगा, ऑप्शन बी है कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जानने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, ऑप्शन सी उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी और ऑप्शन डी विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला दोस्तों आपका सातवां प्रश्न है, विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का डैश 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 से। ऑप्शन ए परिवर्तन, ऑप्शन बी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी प्रयास और ऑप्शन डी परिणाम। तो दोस्तों विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो संबंध उद्दीपन का प्रतिक्रिया के साथ होता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका प्रतिक्रिया यहां पर बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका आठवां प्रश्न है, पियाजे मुख्यतः डैश 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 के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास और ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो दोस्तों पियाजे जो
मनोवैज्ञानिक हैं यह जाने जाते हैं ऑप्शन नंबर बी ज्ञानात्मक विकास के लिए, क्योंकि बालकों के ज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में जीन पियाजे का योगदान बहुत ही विशिष्ट है और उन्होंने बालकों के ज्ञानात्मक विकास का अध्ययन अपने सिद्धांत में चार अवस्थाओं में रखकर किया है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर ज्ञानात्मक विकास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका नवा प्रश्न है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन ऑप्शन ए आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन बी सत्य है, ऑप्शन सी कदाचित सत्य है, ऑप्शन डी असत्य है। दोस्तों 9 नंबर के इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सत्य बात है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि सही बात है, जब कभी दो या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं, यह कथन बिल्कुल सत्य है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन ए औसत बुद्धि के बच्चे, ऑप्शन बी ग्रामीण बच्चे, ऑप्शन सी अध्ययनशील बच्चे और ऑप्शन डी कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। तो दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, कुशाग्र बुद्धि के बच्चे। क्यों होगा राइट आंसर समझिएगा, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को समायोजन की समस्या रहती है, वाकई में रहती है। ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 11वां प्रश्न कह रहा है, किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है, शिक्षक को इसे ऑप्शन ए सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए, ऑप्शन बी विषय को अस्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ऑप्शन सी विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए और ऑप्शन डी उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि किसी शिक्षक को, किसी टीचर को यह लग रहा है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले बहुत अच्छे तरीके से किसी भी चीज को कर ले रहा था, सीख ले रहा था, अब वो धीमा पड़ गया है, तो उसमें शिक्षक को उसको बच्चे को मोटिवेट करने की जरूरत है, उसको प्रेरित करने की जरूरत है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 12वां प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास में ... का विशेष महत्व है? ऑप्शन ए खेल, ऑप्शन बी बाल साहित्य, ऑप्शन सी दिनचर्या और ऑप्शन डी संचार माध्यम। दोस्तों बच्चों के सामाजिक विकास में यह जरूरी है ऑप्शन नंबर ए खेल दोस्तों, क्योंकि दोस्तों खेल से बच्चों में सामाजिक विकास का जो प्रभाव है वो ज़्यादा होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए खेल यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाए, क्योंकि सामाजिक विकास में खेल का अपना एक विशेष महत्व होता है। नेक्स्ट अगला आपका 13वां प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? दोस्तों ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है यूपीटेट की परीक्षा में। ऑप्शन ए व्यक्तित्व, ऑप्शन बी बुद्धि, ऑप्शन सी सृजनात्मकता और ऑप्शन डी अभिवृत्ति। दोस्तों भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है यह किया जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बुद्धि के लिए। क्यों? क्योंकि भाटिया बैटरी का प्रयोग बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है और इसका निर्माण सीएम भाटिया के द्वारा 1955 ईस्वी में किया गया था। कब? 1955 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला आपका 14वां प्रश्न है, कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी नैतिक विकास और ऑप्शन डी सामाजिक विकास। दोस्तों कोहलबर्ग का जो विकास का सिद्धांत है यह आपका संबंधित होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, नैतिक विकास की ओर। क्यों? क्योंकि कोहलबर्ग ने 10 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष के बच्चों के लिए साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण करके पियाजे के सिद्धांत को विस्तारित और परिवर्तित तथा परिष्कृत करके अपना एक नैतिक विकास का सिद्धांत दिया,
जिसे उन्होंने 3 स्तर तथा 6 अवस्थाओं में प्रत्येक स्तर की 2-2 अवस्थाओं में भी बांटा था दोस्तों। तो आप लोगों को पता होगा ऑप्शन नंबर सी आपका नैतिक विकास यहां पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 15वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, ऑप्शन बी अनुशासन और नियमित उपस्थिति, ऑप्शन सी गृह कार्य की जांच में लगन और ऑप्शन डी विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। क्यों? क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी अगर एक्टिव नहीं है आपके क्लास में तो आप कितना भी बेहतर तरीके से पढ़ा रहे हैं वह बच्चा नहीं समझ पाएगा। तो बच्चों का क्लास में एक्टिव रहना, सक्रिय रहना बेहद जरूरी है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है। ऑप्शन ए फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ऑप्शन बी अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। ऑप्शन सी अपने पुत्र के जन्मदिन पर गृजेश कुमार दावत देते हैं और ऑप्शन डी विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों सही मायने में अगर देखा जाए तो इन चारों व्यक्तियों में जिन्होंने अपने बच्चे को आंतरिक प्रेरणा सबसे ज़्यादा दिया है वह दिया है ऑप्शन नंबर डी अर्थात विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की जो प्रशंसा कर रहे हैं यह जो है यह आपका आंतरिक प्रेरणा को मोटिवेट कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 17वां प्रश्न है, पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपनी डैश 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 के प्रति कठोर होंगे। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी जीवन शैली, ऑप्शन सी संप्रत्यय और ऑप्शन डी वास्तविकता। तो दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जीवन शैली, क्योंकि पूर्वग्राही किशोर या किशोरी अपने जीवन शैली के प्रति कठोर होंगे। दोस्तों उनकी दिनचर्या क्या है, उनकी जीवन शैली कैसी होगी, इसके प्रति उनके जो विचार हैं वो कठोर होंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 18वां प्रश्न कह रहा है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशी, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है, यानी कि किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा की गई है। ऑप्शन ए हिलगार्ड द्वारा, ऑप्शन बी स्टार्ट द्वारा, ऑप्शन सी हरलाक द्वारा और ऑप्शन डी पियाजे द्वारा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों पियाजे जी के द्वारा, क्योंकि जीन पियाजे के द्वारा ही इन 4 संज्ञानात्मक विकास के चरणों को प्रतिपादित किया गया था, जिसका नाम था पहला था संवेदी पेशी, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा स्थूल संक्रियात्मक अवस्था और चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर डी आपका पियाजे महोदय राइट आंसर हो जाएंगे। अगला आपका 19वां प्रश्न, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, ऑप्शन बी आत्मविश्वास सहनशीलता, ऑप्शन सी बहुत विनीत स्वयं में सीमित, ऑप्शन डी वास्तविकता की स्वीकृति स्व मूल्यांकन की योग्यता। तो दोस्तों अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के जो गुण नहीं है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बहुत विनीत और स्वयं में सीमित, यानी कि बहुत ज्यादा विनम्र होना और अपने आप में सीमित होना यह एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा विनम्र हैं तब भी आप समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे, और आप बहुत ज़्यादा सीमित भी हैं तब भी आप समाज में अपने आप को सही तरीके से समाहित या समायोजित नहीं कर पाएंगे। तो यह अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 20वां प्रश्न कह रहा है, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती। ऑप्शन ए अनुवांशिकता, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी प्रशिक्षण या शिक्षण, ऑप्शन डी राष्ट्रीयता। तो दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रीयता दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, क्योंकि अधिगम क्षमता यानी सीखने की जो आपकी क्षमता है वह राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती है।
क्योंकि राष्ट्रीयता का यहाँ पर सीखने से कोई मतलब नहीं है। आप पाकिस्तान के हैं, भारत के हैं, नेपाल के हैं, चाइना के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। बस आपके अंदर सीखने की क्षमता है तो आप कहीं भी रहकर सीख सकते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीयता का कोई महत्व नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आपका 21वां प्रश्न कह रहा है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी पावला, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी गुथरी। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुथरी। दोस्तों क्यों? क्योंकि गुथरी महोदय ने बाल मनोविज्ञान में पुरस्कार को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया है, क्योंकि पुरस्कार जो होते हैं वो बाह्य प्रेरणात्मक होते हैं, लेकिन अगर बालक को हम आंतरिक रूप से अभिप्रेरित करें तो वह बच्चा ज्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी गुथरी यहां पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला आपका 22वां प्रश्न कह रहा है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी वुडवर्थ, ऑप्शन सी वैलेंटाइन और ऑप्शन डी रॉस। तो दोस्तों संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह जो विचार है, यह जो कथन है, यह कहा गया है वुडवर्थ महोदय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आपका वुडवर्थ यहां पर राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। अगला आपका 23वां प्रश्न कह रहा है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, ऑप्शन ए छात्रों की प्रगति का आकलन, ऑप्शन बी कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, ऑप्शन सी कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और ऑप्शन डी ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। दोस्तों शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का मतलब होता है छात्रों की प्रगति का आकलन करना, यह पता लगाना कि छात्र ने कितनी उन्नति की है, कितनी प्रगति की है, इसी से पता होता है मूल्यांकन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 24वां प्रश्न कह रहा है, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है, यानी कि किस अवस्था में बालक अपने माँ बाप या अपने परिवार के साये से बाहर निकल करके अपने साथी यानी कि अपने दोस्तों के साथ रहना ज्यादा पसंद करता है, तो वह कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था और ऑप्शन डी शैशव अवस्था। दोस्तों राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर बाल्यावस्था। दोस्तों अर्थात बालकों की जो 11 साल से लेकर के तकरीबन 14-15 साल की जो उम्र होती है वह उत्तर बाल्यावस्था में आती है, और उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वह अपने परिवार के साये से बाहर निकल करके अपने दोस्तों को ज़्यादा महत्व देते हैं बजाय अपने परिवार के, तो यह वह अवस्था होती है जिसको उत्तर बाल्यावस्था कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 25वां प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है, ऑप्शन ए अभ्यास कार्य से, ऑप्शन बी परिणाम की अपेक्षा से, ऑप्शन सी प्रशंसा से और ऑप्शन डी तत्परता से। दोस्तों सीखने का प्राथमिक मूलभूत जो नियम है वह है आपका तत्परता से। दोस्तों अर्थात सीखने का प्राथमिक नियम यही कहता है कि अगर आप तत्पर नहीं हैं, यानी कि आपके अंदर उत्सुकता नहीं है, सीखने की ललक नहीं है, लालसा नहीं है, तो आप नहीं सीख पाएंगे। तो यही आपका दोस्तों तत्परता जो है वो सबसे जरूरी है सीखने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी तत्परता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 26वां प्रश्न कह रहा है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है, ऑप्शन ए किशोर अवस्था से, ऑप्शन बी प्रौढ़ अवस्था से, ऑप्शन सी पूर्व बाल्य अवस्था से और ऑप्शन डी उत्तर बाल्य अवस्था से। तो दोस्तों मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना यह जो संबंधित है यह आपका प्रौढ़ अवस्था से संबंधित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट और राइट आंसर हो जाए, क्योंकि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को यानी कि आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो मानसिक परिपक्वता है वो मैक्सिमम लेवल पर हो, तो यह आपका प्रौढ़ अवस्था में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 27वां प्रश्न कह रहा है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी प्रशंसा एवं निंदा, ऑप्शन सी प्रतियोगिता और ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित ये सभी करते हैं, अर्थात अनुकरण भी करता है, प्रशंसा और निंदा भी करता है, प्रतियोगिता भी करता है। तो दोस्तों सीखने की प्रक्रिया को ये सभी अंग प्रभावित करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 28वां प्रश्न कह रहा है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है,
ऑप्शन ए बालक की वैयक्तिकता का आदर, ऑप्शन बी पुरस्कार एवं दंड, ऑप्शन सी प्रशंसा एवं भर्त्सना और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बालकों के सीखने में प्रेरणा को जो उपयोगी सबसे ज़्यादा माना जाता है वह माना जाता है आपका उपर्युक्त सभी, अर्थात बालकों के सीखने में बालक की वैयक्तिकता का आदर करना भी उपयोगी है, पुरस्कार और दंड भी उपयोगी है और प्रशंसा एवं भर्त्सना भी जरूरी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर उपर्युक्त सभी राइट और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अगला आपका 29वां प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती, ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी स्कूल का बस्ता और ऑप्शन डी पुरस्कार। तो दोस्तों शिशु के अधिगम को जो सहायता नहीं मिलती है वह स्कूल के बस्ते से नहीं मिलती है, स्कूल का बैग जिसमें बच्चा कॉपी किताब सब कुछ रख कर के ले जाता है, तो उसका बैग या बस्ता कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा हो उससे उसके सीखने की प्रक्रिया में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चा अगर एक सिंपल झोले में लेके जाएगा उसके पास दिमाग है तब भी वह सीख लेगा, और अगर वो बहुत बड़े एक सोने के बैग में लेके जाएगा और सीखने की क्षमता नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। तो बैग से कोई लेना देना नहीं है, स्कूल के बस्ते से कोई मतलब नहीं है सीखने का, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आपका 30वां प्रश्न है, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के, यानी कि स्व केंद्रित अवस्था बालक का कौन सा होता है, किस उम्र में होता है, ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी 3 से 6 वर्ष तक, ऑप्शन सी 7 वर्ष से किशोरावस्था तक और ऑप्शन डी किशोरावस्था में। तो दोस्तों स्व केंद्रित अवस्था यानी कि ऐसी अवस्था जिसमें बालक अपने आप को ही सबसे ज्यादा महत्व देता है और अपनाता है, दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जन्म से 2 वर्ष तक। दोस्तों जन्म से 2 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वह स्व केंद्रित अवस्था में होते हैं, यानी कि उनको सब कुछ अपना ही लगता है और वह स्व केंद्रित अवस्था में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को स्व केंद्रित अवस्था कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मेरे मित्रों इस प्रकार से आपका CDP बाल विकास मनोविज्ञान 27 जून 2013 को जो परीक्षा हुई थी UPTET प्राथमिक स्तर की, उस परीक्षा में CDP बाल विकास मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण पूछे गए थे उन सभी 30 प्रश्नों को आज हम लोगों ने इस वीडियो में डिटेल में अध्ययन किया है, लाइव उसको हल किया है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारे इस ऑल हिट एग्जाम चैनल पर आपको UPTET CTET TET से संबंधित सभी प्रकार के सभी राज्यों की परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर के पेपर के सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी।